लखनऊ में सरकारी बंगला बचाने के लिए मायावती ने कांशीराम कार्ड खेला है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में अपने सरकारी बंगले के सामने कांशीराम यादगार विश्राम स्थल का बोर्ड लगा दिया है। इस बोर्ड के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि मायावती बंगले के भीतर कांशीराम म्यूजियम होने की दलील देकर इसे खाली करने से इनकार कर सकती हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि मायावती अपने प्राइवेट बंगले 9 मॉल एवेन्यू में भी शिफ्ट हो सकती हैं। उनका प्राइवेट बंगला उनके सरकारी बंगले के ठीक सामने है, यहां तैयारियां चल रही हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए वक्त मांगा है। अखिलेश की तरफ से राज्य संपत्ति अधिकारी को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि वो 15 दिन में बंगला खाली नहीं कर सकते हैं। बंगले को लेकर मायावती और अखिलेश के रुख पर बीजेपी ने निशाना साधा है। वास्तविकता में अपने बंगलों में जितना इन्होंने साजो सामान इकट्ठा किया है, विलासिता के जितने इन्होंने व्यवस्थाएं इकट्ठा की हैं, इस नाते मोह नहीं छूट पा रहा है। तरह तरह के तरीके इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये बंगला बचा रह सके। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी बंगला खाली करवाने का आदेश दिया था।